नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसी अंदाज में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी उनके खिलाफ विवादित ऐलान कर दिया है। राजू दास ने एक वीडियो जारी कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सीस तन से जुदा करने वाले 21 लाख का इनाम पाएगा जो भी ऐसा करेगा। हालांकि अन्य संतों ने स्वामी प्रसाद को अज्ञानी बताते हुए संयमित आक्रोश जताया। आचारी मंदिर के महंत विवेक आचारी ने भी राजनेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा कि सरकार स्वामी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हम उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरित मानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरित मानस की प्रति जो जलाई गई है यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा प्रसा है अखिलेश जी, और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राघवेंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अब हनुमानगढ़ी के राजू दास महंत ने कहा है कि जो भी उनका सर कलम करके लाएगा उसे 21 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल अलका, बता दें कि जिस तरीके का कल ये राजू दास की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस के ऊपर अवर टिप्पणी की थी और उसके बाद उसको बैन करने के लिए मांग की थी, फिर साधु संतों को उन्होंने गलत ठहराया था, तो ये सारी चीजों को लेकर के एक बयान इन्होंने जारी किया कि जो इनका सर जो है वो तन से जुदा करके और मेरे पास लेके आएगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर बात की जाएगी यहीं पर कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर के, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन किया है, उनको महासचिव बनाया है, तो उसके लिए भी इन्होंने खेद जताया है। सीधे तौर पर कहा है कि इस तरीके अगर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन नहीं कर सकते हैं तो प्रमोशन क्यों किया इन्होंने। जी राघवेंद्र, अभी अखिलेश यादव ने भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी इसे क्या समझते हैं, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन किया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सपा की एक रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, अगर बात की अयोध्या के संतों का, तो वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को इस सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्राह्मणों के ऊपर एक आपत्तिजनक जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का मिला जुला बोल जो सामने आ रहा है, इस तरीके के कृत्य से समाजवादी पार्टी की साख गिर रही है, और जो कि ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया जा रहा है कि इस तरीके बयानबाजी अगर किया जा रहा है उनके साथ में, तो ये गलत है। राघवेंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन मिला है पार्टी की तरफ से, महासचिव बनाया गया उन्हें समाजवादी पार्टी का, क्या समझते हैं आप ये जो विवाद लगातार चल रहा है और इसी बीच उनका प्रमोशन है, ये क्या संदेश जनता के बीच समाजवादी पार्टी देना चाहती है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात हो तो खाली स्वामी प्रसाद मौर्य को ही नहीं महासचिव बनाया गया है, उसमें कई और नाम है जिसमें आजम खान है और कई नाम इनके जुड़े हुए हैं जिनको महासचिव का पद दिया गया है। और मुझे जहां तक ये लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेताओं
कि जो इनके खास हैं, जो इनके करीबी माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उन लोगों को ये ओहदा दिया गया है। और जहां तक अगर रही बात टिप्पणी की, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, तो समाजवादी पार्टी के जो नेताओं को, जो भी इनके कैडर बढ़ाए गए हैं, इनके इनके ओहदे बढ़ाए गए हैं, तो इन्हीं लोगों की ये बड़बोली जो सामने आ रही है, ये किया जा रहा है इनके साथ में। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से रामचरितमानस के चौपाई पर उंगली उठाई गई है, अक्सर देखने को मिलता है, अगर बात कुरान या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए अगर कुछ कहा जाता है तो अराजकता की बात निकलकर सामने आती है। क्या हिंदू बहुसंख्यक है, इस वजह से उनके धार्मिक ग्रंथों पर उंगली उठाना आसान है सभी के लिए? देखिए, अभी साफ तौर पर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर भी इसी इसी को उन्होंने बैन बताया हुआ था कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी जो है जी, या और भी नेता जो हैं, वो अपने बड़बोलेपन को ले करके ये आगे बढ़ते हैं, अपने को मीडिया के समक्ष ले आ करके और इस तरीके की उत्तेजक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके आज समाजवादी पार्टी के, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या ओम प्रकाश राजभर हो, या कोई और हो नेता, राघवेंद्र क्या लगता है आपको, आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर सपा की ये रणनीति है? क्योंकि अक्सर अगर कभी विवादित बयान दिए जाते हैं तो पार्टी जो है वो किनारा कस लेती है नेताओं या फिर अपने विधायकों के बयान से, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खुद अखिलेश यादव इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, खुद वो चौपाइयों पर रामचरितमानस की उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करेंगे तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और इस तरीके की अगर बयानबाजी कर रहे किया जा रहा है उनके द्वारा, तो ये सर्वप्रथम जो है वो गलत साबित किया जाएगा। और इसमें ब्राह्मण हित में अभी तक समाजवादी पार्टी जो है वो इसमें लगे, और 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर के ये बयानबाजी अगर साफ तौर पे कहा जाए, तो ये अभी एक इनकी, जहां तक मुझे लग रहा है कि इनकी सोची समझी ये रणनीति चल रही है, तो इसको लेकर के अब देखिए क्या, अभी बयानबाजी, साधु संत अयोध्या के नाराज हो रहे हैं, तो ये सारी सारी चीजें अब ये 2024 की जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए क्या कर रही है, या समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए क्या कर रही है। राघवेंद्र, जिस तरीके से बार बार रामचरितमानस के चौपाइयों का जिक्र किया जा रहा है कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी, ये बात खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और अब पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को सही ठहराने में लगी हुई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाला जो चुनाव है इसे समाजवादी पार्टी की तरफ से निचली जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बहुत सारे अम्बेडकरवादी नेताओं को जो समाजवादी पार्टी में बुलाया जा रहा है, उनमें शामिल किया जा रहा है, उन्हें पद दिए जा रहे हैं, तो कहीं ये छोटे कास्ट के लोगों को साधने के या छोटे वर्ग को लोगों को साधने के लिए इस चौपाई का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? देखिए, अगर बात की जाएगी इसको, इनकी चौपाइयों को लेकर या निचले स्तर के इनके समुदाय को लेकर के जोड़ने का काम करेंगे, कुछ जिस तरीके भाजपा जो है वो बैकवर्ड पे निशाना साध रही है, उनको अपनाने की कोशिश किया है, तो साफ तौर पर ये सामने दिख रहा है कि ऐसा कुछ ना कुछ जो है मिला जुला काम जो है वो समाजवादी पार्टी भी करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है अभी चुप्पी साधे हुए है सारे मामले को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये अपनी साख जमाने पर लगी है समाजवादी पार्टी। जी राघवेंद्र, स्वामी राजू दास की तरफ से सिर कलम करने की बात की गई है, जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में इस तरीके की धमकी देना या अहिंसा को बढ़ावा देना एक तरीके से जुर्म माना जाता है, तो क्या उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है या कोई कानूनी कार्रवाई की बात चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से? ऐसे मामले को खुद संज्ञान में लिया गया है या नहीं? देखिए अलका, अब बता दें तो अभी तक जो है वो अयोध्या में या यूपी के कहीं भी में ये नहीं सामने आया है कि राजू दास के खिलाफ में कोई समाजवादी पार्टी का नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो या कोई ऐसा हो कि जो कि FIR लॉन्च करवाने के लिए इस बयान को लेकर के एप्लीकेशन दिया हो, या ऐसी कोई अभी सामने नहीं आई है बातें जो कि इस तरीके का मामला सुनने को मिला हो।
राघवेंद्र, लगातार साधु संतों की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य और अब अखिलेश यादव के बयान और स्वामी को प्रमोशन देने का विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ ऐसी रणनीति संत समाज की तरफ से बनाई जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया जाए? बिल्कुल, अगर अयोध्या के संतों की बात करेंगे तो चाहे वो परम हूँ या राजू दास हूँ, सत्येन दास हूँ, ये ऐसे संत हैं कि जो कि ये इन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलित होंगे, और इनके खिलाफ बात की जा रही है कि आगे का रणनीति वो बना रहे हैं। अभी बात करेंगे परमहंस दास की, तो उन्होंने यहाँ तक की अप्लीकेशन तक नगर थाने में पहुंचा दिया था कि इस तरीके का मामला अगर सामने आएगा तो हम इनको दोबारा इनके खिलाफ अप्लीकेशन देंगे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जी, बात जब मुस्लिम समुदाय की होती है, यही समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि धर्म जो है उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कटाक्ष नहीं किए जाने चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर कुरान पे कोई बात हो जाती है तो यही समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो प्रदर्शन करने लगते हैं, और जब भी बात रामायण की होती है, रामचरितमानस की होती है, इन्हीं के नेता बेधड़क जो है वो उंगली उठा लेते हैं उनकी चौपाइयों पर। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म पर उंगली उठाना आसान है या फिर समाजवादी पार्टी ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, एक मुस्लिम एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर अगर बात करेंगे कि एक दूसरे वर्ग को टारगेट करने की, तो टारगेट करने के लिए समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो आज तक अगर हिंदुत्व के नाम पर उसने काम किया है तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी भी किया है, भाजपा ने भी किया है हिंदुत्व को ही लेकर के, लेकिन जो इनके साथ में बयानबाजियां आती हैं चाहे वो धर्म मुस्लिम धर्म की हो या हिंदू धर्म की हो, तो इस तरीके की बयानबाजी इनको नहीं करना चाहिए। जहां तक और अगर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस के ऊपर कर रहे हैं या अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मणों के ऊपर शूद्र पसनारी और ये चौपाई के तौर पर इनको कह करके इनका खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। जी राघवेंद्र, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इन चौपाई के विरोध में बात की जा रही है? समाजवादी पार्टी इसके लिए कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार कर सकती है, बिना किसी तरीके के विवादित बयान दिए या फिर विवाद को बढ़ावा दे। अगर समाजवादी पार्टी को ये चीज गलत लगती है कि ये चौपाइयां जो है वो गलत है, तो इसके लिए वो कोर्ट का रुख कर सकती है। अगर कोर्ट की तरफ से बैन की जाती है तो इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन आप एक समुदाय के एक धर्म के लोगों को बार बार आहत कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट किसी धर्म को लेकर के आप कोर्ट जाते हैं तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट जा रहे हैं तो हिंदू धर्म के ऊपर ही केवल कटाक्ष किया जाए तो, या उनके रामचरितमानस उनके ग्रंथों के ऊपर कटाक्ष करें या उनके चौपाइयों को आप बैन करने की बात करें, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि जहां तक जो कि इस तरीके के मामले जो हैं वो कोर्ट स्वीकारेगा, क्योंकि साफ तौर पर वो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इसको साफ तौर पर वो इन बयानबाजियों को लेकर के और या इनके बैन को लेकर के वो साफ तौर पर मुझे इनकार करने की कोशिश करेगा। लगता है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने एक कुरान पर सवाल उठाया था, कुरान के कुछ पंक्तियों का हवाला दिया था, उस वक्त इतना विरोध प्रदर्शन हुआ था कि नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वही समाजवादी पार्टी है जो एक तरफ कुरान के लिए प्रदर्शन करती है, इस्तीफा मांगती है, पार्टी से निकालने की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अब सियासी हो चला है, खुद अखिलेश यादव जो है वो ढोल गवार शूद्र पसनारी जो चौपाई है इस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन तक मिल चुका है, हालांकि संत समाज के बीच बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सैरतन से जुदा करने वालों को कर लाने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने की बात कही है।
यूपी के बुलंदशहर में देह व्यापार के खिलाफ कॉलोनी वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 2 महिला और 3 और 4 पुरुषों पर कॉलोनी में देह व्यापार कराने का भी आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात कॉलोनी की एक युवती को कुछ बाहरी लोगों ने कार में जबरन खींचने का प्रयास भी किया था। नाम है मंडी चौकी सुनी आई। आज से तकरीबन 10-11 साल पहले बिरवा, नीतू, प्रमोद और चंदर, ये तीनों बहन भाई हैं, खुल्लम खुल्ला बिल्कुल देह व्यापार का सौदा करते हैं। जनक कहाँ कहाँ की नई नई उम्र की लड़कियां लाते हैं, उन्हें नशा कराते हैं। गांजे का भी इनका काम है, जो ये गांजा बेचते हैं उसकी आड़ में, और हर तरह का अच्छा बुरा बदमाश टाइप का इनके पास आदमी आता है। सर, हमारी मांग ये है कि हमारे फ्लैटों में धंधा होता है और खुलेआम रोडों पे हो रहा है। हमारी बहन बेटियों का निकलना बढ़ना भारी है। हमसे कोई भी पूछता यहाँ जुगाड़ कहाँ होते हैं? इन लोगों ने ऐसा वो कर रखा माहौल हमारे वहाँ का कि हमारी बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती। सर, हमारी मांग ये है कि तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश आर्य हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। मुकेश, कॉलोनी वासियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका आरोप है कि उनके कॉलोनी में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, काफी नाम आवासीय फ्लैट है जो मायावती शासन में गरीबों के लिए बनाए गए थे, उसमें काफी चर्चित ये मामला रहा है देह व्यापार का। अब से पहले भी ये देह व्यापार इसमें काफी समय चला था, जिसका विरोध लोगों के द्वारा किया गया था और शासन प्रशासन ने संज्ञान प्रबंध, लेकिन उसके काफी समय बाद फिर ये मामला सुर्खियों में आया है। उसके बाद पुनः ये आज सुर्खियों में आया है। लोग काफी आक्रोश से सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये जो है फ्लैट हमारे लोगों को रहने के लिए दिए गए, लेकिन कुछ लोग जो है उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उन लोगों में बाहर से लड़कियां लाकर जो उनसे बेवकूफ करा रहे हैं, जिसका जो है असर हमारे बच्चों पर, हमारी जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां उन पर पड़ रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं और जिसके चलते आज लोगों ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कोतवाली पर घेराव भी किया। जी मुकेश, क्या मांग है स्थानीय लोगों की, क्या चाहते हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय? जो स्थानीय निवासी, उन लोगों का यही कहना है, जिस तरीके से अभी तरीके से जो यहाँ देह व्यापार का बंदा होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो काशीराम आवासीय फ्लैट है काफी चर्चे, काफी जब जब से ये बनाया, कई बार सुर्खियों में आया है अब देह व्यापार के मामले में, उसके बाद भी लगातार इनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कुछ दिन साल दो साल मामला शांत रहता है, फिर ये लोग देह व्यापार करने लगते। कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क इन लोगों का है और जो बदमाश किस्म के भी लोग हैं, काफी बड़ा नेटवर्क है। कुछ समय शांत रहते हैं, फिर जो है जवान पर बाहर आते हैं, फिर यही काम करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग स्थानीय लोगों को इसका सामना करना पड़ता। लोगों यही है कि सब पूर्णतः इलाज हो जाए और हमेशा हमेशा ये इन फ्लैटों में जो देश का धंधा है वो बंद हो, ऐसा इन लोगों की मान है। मुकेश, क्या स्थानीय लोगों ने पुलिस में या आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है? जी बिल्कुल, इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने, जो स्थानीय थाना है वहाँ शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, उसका घेराव कर वहाँ विरोध प्रदर्शन भी किया है। जी मुकेश, क्या जो देह व्यापार की खबर सामने आ रही है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल, जैसा ये बताना चाहूंगा, इस आवासीय फ्लैटों को वही लगभग 12 साल से अधिक का समय हो चुका है और लगभग 12 साल में ये तीसरी चौथी बार मरतबा ऐसा मामला सामने आया है कि कार्रवाई हुई हो, उसके बाद फिर पुनः धंधा इसमें देह व्यापार चलने लगा हो, लोग परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार काफी लोगों को सड़क पर उतरना, महिला पुरुषों को उतरना पड़ा और कहीं ना कहीं ये बड़ी जो स्थानीय लोगों के लिए समस्या की बात है, क्योंकि बच्चे बड़े लोग वहां से निकलते हैं, चूंकि वहाँ हर तरह का आदमी आता है, जो नशे के आदमी है, शराब पे गाली गलौज कर रहे हैं और जो और आस पास की लड़कियां महिलाओं ने छेड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो इसका शिकार होती है, उनका खामियाजा में उन्हें भुगतना पड़ता है, जिसके चलते कॉलोनी वासियों ने जो इकट्ठा होकर स्थानीय थाने का इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया है और शिकायत प्रार्थना पत्र देकर स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई गई। इस कार्य जो इस पूरा गैंग है इस पर कार्रवाई करती है, जो देह व्यापार धंधे को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए। मुकेश,
लोगों का कहना है कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की भी घटना भी हुई है। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या इसकी FIR दर्ज कराई गई है थाने में? जी, जो जो मामला लड़की छेड़छाड़ का आया है उसमें जो उसके परिजन है उसके द्वारा थानों में तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने तहरीर ले ली है, जांच कर रही है। पुलिस का यही कहना है कि जल्दी से जल्द उस जिसने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ मुकदमा जेल भेजा जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है, टीमें गठित करती गई है, क्योंकि ये मामला काफी चर्चित इस समय जनसभा में हो चुका है। जी मुकेश, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देह व्यापार के साथ गांजे और चरस का भी व्यापार चल रहा है कॉलोनी में, तो क्या वजह है पुलिस इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर रही है? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो लोगों के रहने की जगह है ऐसे जगह पर पुलिस बार बार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, जहाँ देह व्यापार का धंधा होता अक्सर ऐसे ऐसे काम अक्सर वहाँ गांजा चरस गांजा ऐसी नशीले पदार्थ वहाँ मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश जो ऐसी जगह जाते हैं वो ऐसे ही लोग जाते हैं जो उनके सेवन के आदि हों। मुकेश, इससे पहले भी कार्रवाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हर बार कार्रवाई होती है उसके बाद फिर साल दो साल बंद रहता है, फिर ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं बड़ा गेम है। इस मामले को स्थानीय जनपद जो बुलंदशहर पुलिस है उसे इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए, अन्यथा आगे आने वाले समय में इसके काफी गंभीर परिणाम स्थानीय निवासियों को भुगतने पड़ेंगे। जी मुकेश, क्या ये पुलिस की लापरवाही नहीं है कि एक ही जगह बार बार एक ही घटना घट रही है, एक ही पुलिस कार्रवाई करती है फिर उसके बाद जो अपराधी हैं वो उसी कृत्य में लग जाते हैं, तो पुलिस का जो खौफ है बुलंदशहर में बदमाशों के बीच में नहीं है, जो देह व्यापार से जुड़े धंधे में लगे हुए हैं उन लोगों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर पुलिस की मिली भगत से ये काम चल रहा है? जी बिल्कुल अलका, कहीं ना कहीं जिस तरह का मामला ये सामने आया कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की जो कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल के निशान लगते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। लगातार एक ही जगह बार बार देह व्यापार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं लोग जिसके चलते परेशान है, और उनके बच्चे, उनकी महिलाएं, उनकी बहन है जिसका आज छेड़छाड़ की और अन्य घटनाओं का शिकार है, और जिसके चलते अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है, और कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की पुलिस सुरक्षा घेरे में आती है और कार्यशैली पर भी सवाल निशान लगते हैं। मुकेश, यूपी की जो सरकार है वो बार बार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, क्या आपको लग रहा है शासन के इस निर्देशों का पालन जो है बुलंदशहर पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके की खबर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि बुलंदशहर की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता बुलंदशहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल अलका, जिस तरीके से चौथी पांचवीं बार यह मामला सामने आया उसको देखकर नहीं लगता है कि जो योगी सरकार ने जो आदेश जारी किए गए महिलाओं के प्रति उन्हें देखकर अमल में लाया जा रहा हो, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, लगातार लोग धंधा प्रदर्शन कर सड़कों पर उतर कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और कुछ समय के लिए बंद होता है फिर से होना, कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस जो स्थानीय अधिकारी हैं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा और जो भी इससे संबंधित ग्रह के लोग हैं उन्हें सक्रियता से लेते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी और ऐसा अंकुश लगाना होगा कि आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो और आगे ऐसा धंधा ना कर सकें और जो स्थानीय लोग जिनके फ्लैट मिले हुए हैं जो लोग वो आराम से रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बुलंदशहर में स्थानीय लोग देह व्यापार करने वालों की वजह से परेशान है, आए दिन स्थानीय लोगों के साथ छेड़छाड़ की घटना भी सामने आती है, अब लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि चुनाव को कुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान स्थलों पर पुलिस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। शराब की दुकानें शाम 4 बजे के बाद खुलेंगी। दोपहर 12 बजे तक 12.5% वोट पड़े हैं। तो MLC के लिए मतदान हो रहे हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जरिए मतदान जारी है। दोपहर
तक 12.5% जो वोटिंग हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं शराब की दुकानों को भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखा गया है। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, इसको लेकर लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। लोग एक एक करके पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, पोलिंग बूथों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान शहर में सभी शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। वहीं चुनाव प्रक्रिया शांति से हो, इसके लिए सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और लोग एक एक करके पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, किस तरीके की चुनाव प्रक्रिया चल रही है एमएलसी चुनाव को लेकर? एमएलसी चुनाव को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सवेरे 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, लगभग अब तक करीब 12-13% तक मतदान हो चुका है 12 बजे तक का जो अब तक रुझान मिला है, और बाकी भी प्रक्रिया चल रही है। जी अनिल, किस तरीके का प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है चुनावों को लेकर? यहाँ पे अगर बात की जाए प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त कर रखी है कि कहीं से भी कोई अप्रिय वो ना होने पाए जी। और पूरे सारे गेट जो है बिल्कुल सील कर दिए, कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश उस तरह से जो उसके दायरे में नहीं आ रहे हैं उनका पूरी तरह से प्रवेश निषेध है, कोई भी आयुध देकर नहीं जा सकता है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है यहाँ पे। जी जी अनिल, लोगों में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर एमएलसी? अगर रुझान की बात की जाए तो लोग काफी उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी इंतजार करना पड़ा इस वक्त का उनको, तो अगर उत्साह की बात की जाए तो खासे लवरेज नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग इस चुनाव को लेकर। जी शिक्षक संघ का चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर? पोलिंग बूथ पर इंतजाम लगभग सारे पर्याप्त हैं और जिस तरह से आज अपडेट किया जा रहा है हर चीजों को, उसी तरह से पोलिंग बूथ पर देखा जा रहा है कि सशस्त्र सीमा के कर्मियों पे जवान मुस्तैद हैं, पुलिस बल भी काफी संख्या मुस्तैद हैं और हर एक चीज को मोड में पूरा दिख रहा है प्रशासन। जी अनिल, क्या वजह है कि लोगों का चुनाव में हिस्सा लेने का जो एक जोश है वो कम पड़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक दोपहर तक सिर्फ 12-12.5% मतदान हुए हैं? देखिए, सब एकदम ठंडक होती इस नाते लोग अक्सर देर से निकलते हैं, अभी 4 बजे तक चुनाव की ये प्रक्रिया चलनी है, तो शायद यही वजह हो सकती है कि उन्होंने सोचा हो कि थोड़ा आराम से जाएंगे। बाकी अभी इस वक्त का जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि काफी लोग पहुंच रहे हैं चुनाव के महोत्सव में शामिल होने के लिए। जी शाम तक क्या ये वोट परसेंटेज हैं वो बढ़ सकते हैं? मौसम की असर की वजह से वोट परसेंटेज जो है वो कम हुए हैं? हाँ, मौसम का खासा कहा जा सकता है, क्योंकि सभी कुछ ठंडक होती है तो इसकी वजह से कुछ दूरी हो सकती है लोगों की, लेकिन हाँ जो मौके पर तस्वीरें दिख रही हैं उससे ये साफ लग रहा है कि अब लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शाम 4 बजे तक ये चुनाव। जी अनिल, पार्टियों की तरफ से इस चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, पार्टियों की तैयारियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो आज से पहले जो तैयारियां करनी थी उन्होंने कर ली। अब जो पोलिंग बूथ का दायरा है, जो जहां पे चुनाव होना है,
जो उनका दायरा, उस दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है किसी भी तरह की कोई भी स्टॉल वगैरह कुछ भी लगाने की वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक सीमा निर्धारित की है, उस सीमा के बाहर जो कुछ हो सकता है वो हो सकता है, बाकी सीमा के अंदर भी कोई भी यहाँ पर तस्वीर नजर नहीं आ रही है। अनिल, ये जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों को कितना प्रभावित करते नजर आएंगे? हाँ, अगर इस नजरिए से देखा जाए तो आगामी चुनाव को देखते हुए काफी समीकरण अभी से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बेशक ये वो चुनाव नहीं है जिसको राजनीतिक वो रंग दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसमें भी राजनीति की बू आ रही है, उसकी खुशबू साफ देखी जा रही है, क्योंकि सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ इसकी तैयारियों में लगी हुई थी। तो इसे कहा जा सकता है कि हाँ, तस्वीरें इससे जाहिर हो सकती हैं, तस्वीरें स्पष्ट हो सकती हैं आगामी चुनाव को लेकर। जी अनिल, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान है, उसको लेकर अयोध्या के संत राजू दास ने कहा है कि सर कलम करके जो भी ले आएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं खुद अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की राजनीति जो है इस समय की जा रही है रामचरितमानस को लेकर, और इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले राजनीतिक माहौल को लेकर? देखिए, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो उससे साफ लग रहा है कि इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में, क्योंकि संत समाज काफी आहत है, क्योंकि जिसको देखो वही मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, ऐसा कहना है यहाँ अयोध्या के संतों का। और संतों ने यहां तक बताया कि जिस पार्टी में नींव के नीचे गड्ढा खोदने वाले लोग हों, उस पार्टी की बुनियाद दीवार कैसे मजबूत हो सकती है, इस बात का आकलन सहज ही लगाया जा सकता है। हालांकि अयोध्या राम नगरी है, धर्म की नगरी है, और यहाँ पर अगर कोई राम को लेकर टीका टिप्पणी करेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे जिले में एक खास तरह का रोष साफ देखा जा सकता है। जी अनिल, क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, चाहे लोकसभा के हो, उपचुनाव हो या फिर निकाय के चुनाव है, उनमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति होती नजर आएगी? हाँ, लग तो यही रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको राजनीतिक रंग देने का भरसक प्रयास कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में इसको दो भागों में बांटा जा सके, ऐसा साफ तौर पर कयास लगाया जा रहा है। जो यहाँ के चुनावी विशेषज्ञ हैं उनका भी खास तौर पे यही कहना है कि आने वाले वक्त को देखते हुए ये सब केवल स्टंटबाजी हो रही है कि चुनाव को दो भागों में दो वर्गों में बांटा जा सके, ऐसा साफ कहा जा सकता है। जी अनिल, को क्या लगता है आपको, जो राजनेता ऐसे धार्मिक पुस्तकों को लेकर बयान देते हैं और खुद एक बड़ी पार्टी जो है वो उसके मुखिया कह रहे हैं, वो बयान का समर्थन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से मैं पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं, रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों का बीजेपी से क्या संबंध, या फिर समाजवादी पार्टी जो है वो इस चौपाई के जरिए शूद्रों को साधने की कोशिश कर रही है, निचली जातियों को साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, मेरी बात हुई थी यहाँ के पीठाधीश्वर से अयोध्या के, तो उन्होंने बताया कि आज ये चुनाव का जो ये राजनीति है आज की इतनी दूषित हो गई है, इतनी कलुषित मानसिकता की हो गई है कि जहाँ पर धर्म को आड़े रखकर राजनीति की जा रही है। पहले होता था राज धर्म होता था, राजनीति में भी धर्म को मानकर ही राजनीति की जाती, लेकिन आज धर्म का बिल्कुल पूरी तरह से छत बिछत करके धर्म को उसके बाद राजनीति का एक नया ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा आने वाले वक्त में नुकसान देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मतदान की प्रक्रिया जारी है, शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर सुबह से ही मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक मात्र 12% वोट ही पड़े हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कांग्रेस ने सेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यात्रा के समापन के अवसर पर मेगा रैली का आयोजन किया और पूरे कांग्रेस नेतृत्व के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता इसमें शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा कि वो उनका विजन मोहब्बत का है, को भारत जोड़ने के लिए
आना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन के बाद कन्याकुमारी से निकलकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होती है, क्या कुछ मैसेज जो है वो निकलकर सामने आया है कांग्रेस की तरफ से लोगों के लिए और उनकी पार्टी के लिए? कांग्रेस में जो राहुल गांधी का पूरा बयान आया है जी, राहुल गांधी का जो बयान है पूरे तरीके से, और उन्होंने संबोधन में कहा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। कांग्रेस की यात्रा 140 दिनों तक लगातार चलती रही है, कन्याकुमारी से लेके, और इनमें उसने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है राहुल गांधी ने, उससे होके गुजरी है जी। और समापन भाषण को जो बड़े मेगा प्लान की तरह कांग्रेस बना रही थी जी। वो कहीं ना कहीं वो बन नहीं पाया, और उसके सारे जो एनडीए के सहयोगी दल थे जी, वो पूरी तरीके से कार्यक्रम से दूरी बनाए, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, इस तरीके के नेता दूरी रहे। लेकिन कांग्रेस ने सीधा मैसेज देने की कोशिश किया, चाहे वो खड़गे का भाषण हो, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे प्रियंका गांधी का भाषण हो, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की बात करती है, कांग्रेस देश में भाईचारा लाना चाहती है, और कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़ना चाहते हैं वो उसका कांग्रेस में स्वागत है जी। और जो खड़गे जी का बयान आया, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि ये यात्रा बहुत यादगार रही है, ऐतिहासिक रही, और इसका राजनीतिक लाभ होगा कि नहीं होगा इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के नफरत भरे जो अभियान है उस पे रोक लगेगी, और कांग्रेस जिस सोच के साथ इस यात्रा को शुरू की थी आज समापन में वो उससे कहीं ज्यादा उसको फायदे में दिख रही है जी। ये सीधे तौर पर पूरे कांग्रेसियों का मोटे तौर पर कहना है जी। शुभम, बार बार कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा गया था कि ये जो यात्रा है राहुल गांधी की वो राजनीतिक नहीं है, कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं की गई है, ये हिंदुस्तान के फायदे के लिए की गई है, और बार बार नफरत की दुकान माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात जो की गई है, ये सीधे तौर पर बीजेपी पर बार बार निशाना साधा गया है, तो क्या वजह है कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि उसका राजनीतिक एजेंडा नहीं है और वो अपने इस यात्रा में बार बार बीजेपी और आरएसएस पर हमले करती है, इसे क्या समझा जाए? ये राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? ये कांग्रेस को इस पूरी यात्रा से आप देखेंगे तो शुरुआत से ही राहुल गांधी मोदी सरकार पे नहीं हमले बोले, वो आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की जो असल विचारधारा वो हमेशा शुरू से उसी पे चोट करते दिखे, वो उस विचारधारा को समानांतर कांग्रेस की विचारधारा जो उसकी समाजवाद की विचारधारा है या सेकुलरिज्म की जो विचारधारा है जी, उसके सामने वो खड़ा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पूरी यात्रा में मोदी सरकार को कहीं टारगेट पे नहीं लिया और सीधे तौर पे हमले नहीं किए, वो बीजेपी को हमले किए, उन्होंने आरएसएस पे हमला किया, उन्होंने जिस राज्य में गए उसमें उनके विरोध उनपे उन्होंने हमला किया, तो एक तरीके से वो उस विचारधारा को जगाना चाहते हैं या कांग्रेसियों को बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के साथ वो आमने सामने की चुनौती में वो उनसे जीत नहीं सकते, तो वो उस विचारधारा को खड़ा करना चाहते हैं कि यदि बीजेपी के पास हिंदुत्व की विचारधारा है तो हमारे पास एक सेकुलरिज्म की विचारधारा है, जहां वो तमिलनाडु से निकलते हैं तो अपने राजीव गांधी पिताजी जो उनके होते हैं उनके समाधि स्थल से शुरू करते हैं, और समापन में वो कश्मीरी पंडितों से मिलते हैं जी, और उसमें जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसका जो आरोप देते हैं वो कहते हैं कि सरकार ने केवल छलावा किया है, इसके बाद भी उन्होंने सरकार पे हमले नहीं किया, उसने उस विचारधारा को कटघरे में खड़ा किया कि बीजेपी उस विचारधारा को फॉलो कर रही है जो विचारधारा हिंदुत्व के लिए काम नहीं करती है, हिंदुत्व को केवल वोट में बदलती चली जाती है, तो वो उस विचारधारा को हमेशा से चोट कर रहे हैं, और उनकी कहीं भी मोदी सरकार या जो बीजेपी की नीति है वो उनकी पार्टियों से हटके उनकी नीतियों पे चोट करते हैं, तो उनकी वो विचारधारा की लड़ाई है, और इसी तरीके से उन्होंने देखेंगे तो वरुण गांधी पे जब सवाल हुआ कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी विचारधारा अलग है, वो हमारे परिवार के हैं, हम उनसे गले मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने
दूसरी विचारधारा को अपनाया और हमने दूसरी विचारधारा को अपनाया है। तो पूरी कांग्रेस की यात्रा में विचारधारा की लड़ाई दिखी और वो इसीलिए कांग्रेस कह रही है या राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका बस केवल यह है कांग्रेस के अंदर एक विचारधारा आ जाए। अब विचारधारा जब बदलाव होगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी और उसी लाइन को आगे बढ़ाएगी तो वो बीजेपी को चुनौती देगी। जी शुभम, राहुल गांधी के इस यात्रा के समापन में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने शून्यता की बात की, फना की बात की, उन्होंने कहा कश्मीरियत की बात की, साथ ही उन्होंने ये चीज देखने वाली थी कि उन्होंने शिव का भी जिक्र किया और अल्लाह का भी जिक्र किया, इस्लाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शून्यता जो शिव है वो शून्यता से मतलब है, खुद के घमंड पर प्रहार करने की बात कर रहे हैं, फिर वो इस्लाम का भी उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या एक तरीके से कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को एक साथ जोड़ने की कोशिश या ये कहें एक साथ दोनों समुदायों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बार बार राहुल गांधी जो है वो अमरनाथ यात्रा पर भी जाते हैं, वो कैलाश यात्रा पर भी जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते नजर आते हैं, फिर वो इस्लाम की भी बात करते हैं। तो वो जो एजेंडा भी कांग्रेस का था पहले से सेकुलरिज्म का, क्या वो उसे साधते हुए नजर नहीं आ रहे, हिंदुत्व को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं? आप यात्रा की शुरुआत से देखेंगी तो तमिलनाडु में वो विवेकानंद के जो सबसे बड़ा आश्रम है वहाँ जी। वो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने दर्शन करने के बाद फिर आगे केरला में गए तो वो एक चर्च में गए, फिर उसके बाद उन्होंने मस्जिद में दौरा किया। तो रास्ते में जितने धार्मिक स्थल पड़ते गए वो धार्मिक स्थलों में दर्शन इस तरीके का करते रहे, लेकिन जब कश्मीर ये यात्रा जाती है तो दो विरोधाभास आपको नजर आएगा। पहला विरोधाभास ये है कि वो कश्मीरी पंडितों से मिलते हैं जी, जिनसे कहते हैं कि सरकार ने आपको पुनर्वास के नाम पे छलावा किया है, आपके साथ वोट किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जी उनके साथ दो लोग खड़े मिलते हैं तो कश्मीरी पंडितों को तथा कथित आरोप लगाया जाता है कि इन्हीं के कारण घाटी छोड़कर पंडितों को भागना पड़ा। एक तरफ देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला नजर आते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वही महबूबा मुफ्ती भी नजर आती है और ये दोनों 370 और 35 के सपोर्टर हैं जी। तो उनकी ये मांग है कि घाटी में फिर से 370 लागू हो जाए जी। तो दोनों में एक तरह से देखेंगे जो उनका विचार है या वो कहते हैं कश्मीरी पंडित अन्याय हुआ, वही इन लोगों के साथ आते हैं तो कहते हैं कि जमहूरियत की बात होनी चाहिए कश्मीर में जी, क्योंकि अभी वो वहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन है और जबकि विधानसभा के चुनाव निर्धारित है लेकिन ये निश्चित नहीं है कि चुनाव वहाँ होंगे ही। तो कांग्रेस का कहना है कि यदि सारी चीजें अच्छी है 370 खत्म करने के बाद स्थितियां वहां अनुकूल बनी है तो सरकार वहां चुनाव क्यों नहीं करा रही है, वहां उपराज्यपाल के तरीके से क्यों सत्ता चला रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम तरह के चोट है उनके कश्मीर तक जाते जाते पूरी यात्रा में दो तीन चीजें आपको नजर आएंगी जो एक तरह से विरोधाभास है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन वो हमेशा उन दोनों चीजों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास भी हो जाए और 370 के बाद जमहूरियत या लोकतंत्र की जो बात करते हैं या उस तरीके की जो पार्टियां उनको भी साथ ले लिया जाए। तो इस तरीके से उनको हमेशा बैलेंस बनाते चलते हैं और समापन में तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि देश में मोहब्बत होनी चाहिए, इस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया है कि नफरत हो रही है या सरकार कॉरपोरेट के साथ जुड़ी है, तो एक तरीके से छोटी मोटी चोट बीजेपी पे करते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं किए हैं जी। लेकिन दोनों लोगों के मिलने से ये लगता है कि वो हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि कश्मीर जैसे प्रदेश में इतना बड़ा स्टेटमेंट कि हम लोकतंत्र चाहते हैं और यदि सरकार आती है तो हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, इतना बड़ा बयान उनके लिए मायने रखता है कि वो दोनों कम्युनिटी को साधने की कोशिश करते हैं। जम्मू में जाते हैं तो वो कश्मीरी पंडितों को भी साधेंगे, मुस्लिमों को भी साधेंगे, वहीं तेलंगाना में जाएंगे तो पादरियों को साधेंगे और मुस्लिमों को साधेंगे जी। तो इस तरीके से जहां जिस हिसाब से कम्युनिटी है और वोट बैंक है उसी हिसाब से उनके बयान आते रहते हैं जी। शुभम, क्या लगता है आपको कन्या कुमारी से जो कांग्रेस चली थी या फिर जिस कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, कन्याकुमारी की यात्रा से पहले और ये जो भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण हुई है श्रीनगर में, तब के कांग्रेस में और अब के कांग्रेस में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है, विजन क्या फर्क नजर आ रहा है, राहुल गांधी के की छवि जो है वो भारत में किस तरीके की बनी है जो पहले थी और अब? राहुल गांधी की छवि में बहुत बड़ा परिवर्तन
यात्रा से, क्योंकि जिस दिन यात्रा की शुरुआत हुई थी सारे नेताओं का यह कहना था कि राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा करेंगे, 145 दिन रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो छुट्टियों पे चले जाते थे, तो ये आया है कि उन्होंने ये तय किया कि नहीं हम यात्रा करेंगे, तो लोगों के बीच में एक मैसेज दिया कि हम मतलब क्या कहते हैं लगातार पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसा नहीं कि 24 घंटे वाले नहीं है कि 2 घंटे के लिए चले जाएंगे या 2-4 दिन के लिए चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा जी। लेकिन पूरी यात्रा में आप देखेंगे तो जो 12 राज्यों से गुजरी है उसमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव है और कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। यहाँ कर्नाटका में है, तेलंगाना में चुनाव है वहां भी मुख्य भूमिका में है, इसके अलावा राजस्थान में मुख्य भूमिका में है, मध्य प्रदेश में मुख्य भूमिका में है, इन सारे राज्यों में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं उन कांग्रेसियों के अंदर ये जोश उन्होंने भरा है, नहीं तुम चुनाव जीत सकते हो, या उन लोगों के अंदर ये ताकत ही है। और उन्होंने तो ये स्वीकार किया मध्य प्रदेश में कि हमारी सरकार को, चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने खरीद फरोख करके गिरा दिया और हम आगे चुनाव जीतेंगे। तो उनकी छवि में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ है, उन कांग्रेसी जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर, कांग्रेस से दूर हो रहे थे, वो फिर कांग्रेस की तरफ आने लगे, उनको लग रहा है कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब जम्मू कश्मीर गई और यात्रा पहुंची, उससे पहले जो गुलाम नबी आजाद से जुड़े 17 बड़े नेता थे जिसमें उप मुख्यमंत्री भी रहे जी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए पूरे तरीके से। तो इससे यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश थी और वो अकेले पड़ गए हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो कांग्रेस में बदलाव आया है, उन पुराने कांग्रेसियों को फिर से उठ के खड़ा करने और लड़ाई करने के लिए और सत्ता से टकराने के लिए राहुल गांधी ने मैसेज दिया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो आगे की लड़ाई होगी, अब विचारधारा की लड़ाई होगी, अब सत्ता की लड़ाई नहीं होगी जी, विचारधारा की लड़ाई होगी। उनमें बड़ा परिवर्तन आया, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि पुराने राहुल गांधी से हम अलग हैं। ठीक है, जो पहले ठीक है शुभम, आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, पहले से ही शुरू कर दी गई है, इसका भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं कही जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ जो यात्रा है वो राजनीतिक है और इस पर कांग्रेस पार्टी अपने विपक्षी दल बीजेपी पर लगातार प्रहार करेगी, तो भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कितना हाथ जोड़ो यात्रा को मिलता नजर आएगा? अब ये तो आगे की बात होगी कि हाथ जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा, भारत जोड़ो यात्रा पे उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि जब यात्रा शुरू हुई तब उसके सफलता का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, आज जब खत्म हुई तब उसका जोड़ घटाव करके अनुमान लगाया जा रहा है। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ होगा, यात्रा जैसे जैसे शुरू होगी वैसे वैसे अनुमान आने, मतलब उसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो श्रीनगर में समाप्त हो गई है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने भाषण में कश्मीरियत का जिक्र किया, खुद राहुल गांधी ने भगवान शिव के का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कश्मीरियत वो है जो शून्यता की बात करती है, शिव की शून्यता की बात करती है, जिसका अर्थ है कि अपने अहंकार का जो किला इंसान बनाता है उस पर प्रहार करना। साथ ही उन्होंने इस्लाम का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदू धर्म में शून्यता है वही इस्लाम में फना का भी वही मतलब होता है कि खुद के घमंड को खत्म कर देना। तो यहाँ राहुल गांधी हिंदू समाज को भी अपने भाषण से जोड़ते हुए नजर आए और मुस्लिम समाज को भी जोड़ते हुए नजर आए। गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है भारतीय संस्कृत में, उसी संस्कृत को अपने भाषणों से कहीं ना कहीं छूते हुए नजर आए राहुल गांधी। तो मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।